Hi Pyaroos, welcome or welcome back to my YouTube channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Arundhati and you all are my Pyaroos and I'll be really happy and grateful if you'll just take a moment, subscribe to my channel below, watch my videos, share them with your friends or anyone who might be interested and comment down below if there's anything that you guys like about my video. Also, let me know if there's anything that you guys want me to change in my videos. It will really help me up my game. सो मुझे ना वीडियोस बनाते हुए बहुत टाइम हो चुका था, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक भी रैंडम चिल सा व्लॉग नहीं करा है. हर व्लॉग में मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि व्लॉग करते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग टुडे. मेरे एग्जाम है, हम कॉलेज जाएंगे, हम वहाँ वाली गर्ल गैंग से मिलेंगे, देन आई विल कम बैक और गुड्डू का बर्थडे. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो उसकी पॉपुलैरिटी के चलते ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो कि गुड्डू कौन है. तो आप जब भी ये वीडियो देखो प्लीज़ विश हर हैप्पी बर्थडे. तो उसका बर्थडे है तो हम वापस आएंगे, फिर हम डिनर करेंगे, फिर हम नाइट स्टे करेंगे, सुबह घूमने जाएंगे. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. तो मैंने सोचा कि ऐसा अ डे इन माई लाइफ वाला व्लॉग बनाते हैं कि आई विल शो यू गाइज अराउंड कि क्या क्या रहता है, कैसा मेरा रूटीन रहता है. कॉलेज जाएंगे, अभी मुझे रूपा लेने आ रही है, अगर मैं लेट हो गई ना तो शी विल किल मी. हम कॉलेज चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, अच्छा सा डिनर करेंगे और फिर मस्ती करेंगे. तो हर चीज़ आई विल व्लॉग और आई विल टेक यू गाइज अराउंड. सो कम गाइज, मीट रूपा, माई सर्वाइवल किट. और हमारी यूनिवर्सिटी देख लो थोड़ी सी, वैसे तो अच्छी लगती है. गाइज मुझे देख लो, मैं हमारा कॉलेज इतना दूर है कि आते आते चार मौसम हो जाते हैं. मतलब अरे बारिश आ गई, मतलब रास्ते में आधी जगह बारिश आई, फिर हम उससे थोड़ा आ गया तो बारिश आनी बंद हो गई, फिर थोड़े आ गया फिर वापस बारिश आने लग गई, आधे में बारिश आई, आधे में बारिश आनी बंद हो गई. मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, 100 मौसम हो गए पर हमारी यूनिवर्सिटी नहीं आई. गाइस हमारा थोड़ा नेल सेट चल रहा है, हमारी नेल आर्टिस्ट, अरे दिखाते हूं रूपा, श्री श्री रूपा, रूपा लेकर देखते हुए खुले वेरी गुड वेरी गुड गाइस हम वैसे तो हम पढ़ने आए थे पर हमें लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट वी हैव एरेंड्स टू रन, सो हमने वो कर लिया. देख लो गला, ये तो मेरा, मैंने खुद ने करी है वो गला, ये इसने करी गला. अब देख लो गाइस, कमेंट डाउन बिलो एंड टेल की के साथ ये नेल पेंट बेटर. मेरा सवाल ये है कि ये नाखून क्यों टूटा हुआ है अरुंधति, बैक हिस्ट्री? वो इसमें मुझे ऐसे करना होता है ना, तो मैं इसको तोड़ इसके इसको भी देखो इसने कहां तोड़ रखा है, दिखाना जल्दी से टूटा है. ठीक है ना, देख लो कौन, देखो गाइस ये वाला नाखून टूटा हुआ है. जब हमारा पढ़ने का टाइम होता है तब हमारे मौसम अच्छा हो जाता है, जब हमारे घर पे रहने का टाइम होता है तब मौसम अच्छा हो जाता है, पर जब हमें घूमने जाना होता है तब इतनी गंदी गर्मी हो जाती है, हम क्या करेंगे. तो नेल्स अच्छे लग रहे हैं मेरे. कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं यार, वाओ. गलत फहमी, लोग जलते हैं. हाय प्यारूस, मैंने शॉर्ट्स डाले मेरे चैनल का भी प्रमोशन, यही करते हैं हम लोग बस. और ये वीडियो में आना चाहिए, कटना नहीं चाहिए. श्योर मैम. वैसे अरुंधति के श्योर का मतलब होता है आई डोंट गिव अ फक. कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ भी नहीं खोल के देखा है. और अभी 1:15 पढ़ाई का क्या यार, 1 घंटे बाद एग्जाम है, क्या फर्क पड़ता है. पर जो शादी 6 महीने बाद है उसकी तो तैयारी आज से करनी पड़ेगी ना. अरुंधति बिना पढ़े भी 50 में से 48 लेकर के आ जाती है. Oh my God, ये तो डालना ही पड़ेगा. गाइस एज यूजुअल हम इतना जल्दी आए थे कि हमें लगा था इतना जल्दी आके तो हम पता नहीं कौन से झंडे गाड़ लेंगे, पर हमने कुछ नहीं गाड़ा है. हमने कुछ मतलब हमारे पास एंड का आधे घंटा बचा था, हमने इतनी बातें कर ली पढ़ने के लिए. और अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारी चकली देख लो, हमारी ओहो ग्लो देख लो मेरी सृष्टि का, जितनी हंसी आ रही है ना उतना गंदा भी पड़ जाएगा. ऑल द बेस्ट बोल दूँ सबको, ऑल द बेस्ट. मतलब आप गाइस हम पेपर दे के आ गए हैं, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या किया है. दुख की खबर भी लिपस्टिक लगा के अनाउंस करते हैं क्या? हम ऐसा पेपर दे के आए हैं कि नो मैटर व्हाट द ग्लैमर शुड, द ओनली थिंग दैट कैन मेक अस हैप्पी इररिस्पेक्टिवली ऐसा भी पेपर लेके आए हैं. हां हां, मम्मी और आप मत देखना बस, बस हो गया. पर कोई को बात नहीं होता है कभी बार. हम हमारे यूट्यूब पे भी तो मतलब वो कर रहे हैं ना फोकस. अरे बोल लें दे, 2 मिनट बोल लें दे. गाइज हम फाइनली गुड्डू का केक लेने आ गए हैं और मैं ऐसी लग रही हूँ एकदम उजड़ा चमन.
पर मुझे शूट करना था बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू गाइस कि हमने कैसा केक बनवाया. हमने एकदम ऐसे बेस्ट फ्रेंड अप्रोप्रिएट केक बनवाया एंड वी जस्ट होप कि जैसा हमने प्लान किया था वो वैसा ही टर्न आउट हो. भैया भैया हाय बोल दो मेरे वीडियो में. हाय गाइस, ये हमारे अंकल हैं जो हमारे अंकल हैं ना, दुकान वाले अंकल हैं जिनकी बहुत अच्छी राइटिंग है. और ये हमारा केक है, ये आइडिया इनका था, बहुत अच्छा सा लग रहा है. नाइस, आई लव इट, कूल है बहुत. गाइस 500 साल बीत गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ और अब हम फाइनली केक काट रहे हैं और हम केक रिवील करेंगे गुड्डू को. गाइस केक वापस देख लो, वैसे तो आप लोग देख चुके हो. से हाय टू मिस्टी. अरे गाइस कमेंट करके बताओ क्या हम बंदर का पिछवाड़ा लग रहे हैं. चलिए दीदी प्लीज कम एंड शो क्या हम बंदर का, कौन से बंदरों का इतना सुंदर पिछवाड़ा होता है, इससे पूछो, इस औरत से पूछो. और ये खुद ही बंदर का पिछवाड़ा बन गया. हाँ नहीं तो ये हमारे चैनल के पिछवाड़े, ये बंदर के पिछवाड़े सबसे फेमस है मेरे चैनल पे. सबसे ज्यादा पसंद किया लोगों ने इनको, दोनों पिछवाड़ों को. प्रिंसेस फुल प्रिंसेस वाली, थोड़ी सी ड्रेस, ड्रेस थोड़ी लेस ग्लैमरस है. थोड़ा इनका अलग ही विक्टोरियन एरा चल रहा था तब. नाउ द केक, नाउ टू द बर्थडे द ओजी केक. अंकल ने पूछा फ्रॉस्टिंग ऊपर मतलब व्हाइट कलर की करूँ या स्किन कलर की करनी है, और उन्होंने पूछा बकायदा कि ये कैसे लगाना है ये, और हमने सिर्फ ये बोला था और ये उन्होंने खुद करा है. मतलब अंकल ने अच्छी तरह देखा है तभी वो बना पाए हैं. इज वेरी एक्सपीरियंस. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू. ये भी उचिंट हुआ. गाइस हमारी केक कटिंग हो गई है और अब हम खा रहे हैं और ऑलमोस्ट खा चुके हैं. और हमने बहुत ही यूनिक चीज़ मंगाई आज. मतलब हम बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए हैं और हमने सोचा नहीं था कि हम कभी ये खाएंगे, पर आज गुड्डू की बर्थडे के पहली बार खा रही हूँ मैं. मतलब इतनी यूनिक चीज़ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ. गाइस पिज़्ज़ा देखो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी खा सकते हैं. वेरी यूनिक जगह से डोमिनोज से पिज़्ज़ा देखो. और ये देखो हमारा, देखो चिंटू ये अपनी बकवास कर रहा है. बच्चा कुछ पिज्जा गार्लिक ब्रेड डोमिनोज से, वेरी यूनिक, सो यूनिक, सो न्यू. मैं क्या बोलूं, मेरे पे ऐसे मत डालो यार. सो गाइज दिस इज फ्यू डेज लेटर, आई कुड नॉट रिकॉर्ड दैट डे. मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं अभी एक यूट्यूबर हूँ और मेरा एक व्लॉग चल रहा है. हमने खाना खाया, उसके बाद हमने थोड़ा सा वॉक किया बाहर, फिर हम लोग रूम में चले गए. हम नाइट स्टे, मतलब हमारा नाइट स्टे स्टार्ट हो गया जिसकी मैं बात कर रही थी. और हम इतना ज़्यादा बिजी थे ना मस्ती वगैरह करने में कि मैं भूल गई बिल्कुल ही क्लिप्स लेना. मेरे दिमाग से निकल गया कि मेरा एक व्लॉग चल रहा है. और जो थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने ली भी ना, जब मुझे थोड़ा सा याद आया तो जब मैंने बाद में देखी तो आई रियलाइज कि ऑल दैट वॉज टू पर्सनल टू पोस्ट हेयर. तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो नहीं करेंगे पोस्ट. फिर आई थॉट कि हमारा सुबह उठ के घूमने जाने का प्लान था, दैट वी वर सपोज टू लीव फॉर जलधारा अराउंड 6. तो हमने सोचा कि 6 बजे घूमने जाएंगे, वहाँ का थोड़ा सा शूट कर लूँगी, ठीक है हो जाएगा. बट हम इतना ज़्यादा थक गए थे ना पूरी रात से मस्ती करके, वी स्लेप्ट एट अराउंड 4:30, डेढ़ घंटा था. और हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से सोए थे कि नहीं नहीं उठेंगे उठेंगे, जाएंगे जाएंगे घूमने जाएंगे, बट कुछ नहीं हो पाया. उसके बाद हम, मतलब हमारे अलार्म पे अलार्म बज रहे थे और हमने उठे हम तीनों और अलार्म बंद करके वापस हो गए, तो हम कहीं घूमने नहीं जा पाए, तो फिर वो भी शूट नहीं हो पाया. देन हमने उठ के ब्रेकफास्ट किया. आंटी ने हमारे लिए बहुत ही अम्मी आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई थी, ऐसे बंगाली सब्जी थी कुछ स्पेशल वहाँ की, हमने खाई वो बहुत अच्छी थी. पर मैं फिर से शूट करना भूल गई क्योंकि सुबह से आधी नींद में उठे थे, खा रहे थे, मतलब तो खाया फिर वो वापस शूट करना भूल गए. तो फिर मेरा कुछ भी शूट नहीं है, मतलब उसके आगे का. देन आई थॉट कि आई जस्ट ऐसे डिलीट द क्लिप्स, मैं क्या ही करूँगी उनका. तो 2-3 डेज लेटर आई एम गोइंग आउट, मेरा एक फैमिली फंक्शन है, मेरा फैमिली फंक्शन नहीं, फैमिली में फंक्शन है. तो हम आमेर जा रहे हैं, वहाँ पे एक परियों का बाग है, शायद जयपुर वालों को पता होगा, एक टेम्पल है वहाँ पे. तो हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब हमारा घर का ही मंदिर है ऐसे हमारे रिलेटिव्स का ही, तो वहाँ पे एक फैमिली फंक्शन है, हम वहाँ जा रहे हैं. तो मैंने सोचा कि मे बी मैं आज का भी थोड़ा बहुत शूट कर सकती हूँ एंड आई कैन शो यू गाइज अराउंड, मैं वहाँ वो जगह भी दिखा दूँगी, इट्स वेरी प्रिटी. तो चलो चलो क्या होता है. मम्मी आप मेरे व्लॉग में कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाहूँ मैं तेरे व्लॉग में, बता.
आपने अभी तक ऐसे डेब्यू नहीं कराया ना मेरे चैनल पे, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से टू माय व्यूअर्स? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वाओ, प्रमोशन गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड और हम इतने मुश्किल से पहुंचे, इतना ज्यादा ट्रैफिक था। अब मुझे देखना, मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है रास्ते में पिटी हूँ, मतलब ऐसे मेरे माँ बाप ने मेरे को रास्ते में जूती जूत दी है ना, ऐसी पिटती वैसी लग रही हूँ पिटी हुई। तो मुश्किल से पहुंचे हम गाइस, इतना ज्यादा ट्रैफिक था, मुझे लगा तो मैं भूखी मर गई। बस गाइस, मैं आपको माता जी के भी दर्शन करा देती हूँ, मंदिर तक आए तो सिर्फ खाना पीना मौज मस्ती थोड़ी दिखाएंगे। मम्मी पापा देख लो गाइस, आवर डिनर। सो गाइस, हम डिनर करके निकल गए हैं, खाना तो बहुत अच्छा था, पर मेरे को इतना तेज सूस हुआ है, इतना सूसू आता है, लगता है कि कोई सूसू बनाने के अंदर यूनिट है मेरे अंदर। जब कोई ज़रूरी चीज़ होती है ना, मेरे को सूसू आ जाता है, मतलब कोई मेरी ज़िंदगी का ऐसा समय नहीं गया जो ज़रूरी और उसमें सूसू ना आया हो। तो मेरे को इतना सूसू आ गया कि मैं कुछ खा ही नहीं पाई, और मेरे को इतनी कम लाइट मिल रही है और मेरा वो भी नहीं चल रहा फ्लैश, मैं जैसे तैसे लाइट एडजस्ट कर रही हूँ, पर मेरे चेहरे के ग्लो से आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरा चेहरा चमक रहा है। मेरा ये 500 दिन से वीडियो चल रहा है और आई होप कि मैं इसको एडिट करके कुछ तो अच्छा सा बना लूँ और आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ भी ऐसा है दैट यू गाइस लाइक इन माय वीडियो, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, इट विल रियली मोटिवेट मी। एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू गाइस डोंट लाइक इन माय वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो दैट एज वेल। आई एम रियली ओपन टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इट विल रियली हेल्प मी अप माय गेम एंड मेक बेटर कॉन्टेंट फॉर यू ऑल। तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब मतलब जो जो होता है वो सब करो। और अब आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय।